दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, लॉग टू एक्स बेस टू एक्स इक्वल टू रूट में लॉग टू एक्स क्यूब बेस टू एक्स। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर दिया है रूट में, तो सबसे पहले इसको हम 1/2 में करेंगे, फिर उसको हम इस पर ला देंगे, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा लॉग टू एक्स बेस टू एक्स इक्वल टू लॉग टू एक्स क्यूब बेस टू एक्स के पावर 1/2। अब देखिए पावर इधर आएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे लॉग टू एक्स बेस टू एक्स और होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग टू एक्स क्यूब बेस टू एक्स। अब देखिए यहाँ पर दिया है टू एक्स, तो टू एक्स है तो इसको हम अलग करेंगे, यानी कि टू प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लॉग टू बेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स बेस टू एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग टू एक्स प्लस लॉग एक्स क्यूब बेस टू एक्स। देखिए यहाँ पर दिया है लॉग एक्स बेस टू एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ पर दिया है 3 आगे आ जाएगा और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3। तो इसको हम लिखते हैं लॉग 2 बेस टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिखते हैं लॉग 2 बेस टू एक्स प्लस 3। अब हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं लॉग 2 बेस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस 2 इंटू 1 इंटू लॉग 2 बेस टू एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं लॉग 2 बेस टू एक्स प्लस 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, लॉग 2 बेस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये 1 ही रहेगा, प्लस देखिए हो जाएगा 2 लॉग 2 एक्स इक्वल सॉरी ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इसके लिखेंगे माइनस लॉग 2 बेस टू एक्स, और ये भी प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर लॉग 2 और बेस टू एक्स का होल स्क्वायर है, पहले इसको लिखते हैं, तो लिखेंगे लॉग 2 बेस टू एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर देखिए 1 पर है, तो माइनस हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, प्लस लॉग 2 बेस टू एक्स, और यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 3 है, तो बचेगा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो निकालते हैं चलिए, तो लिखेंगे लॉग 2 बेस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 लॉग 2 बेस टू एक्स माइनस लॉग 2 बेस टू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसी तरह देखिए इसमें से लॉग 2 बेस टू एक्स कॉमन हो जाएगा, लॉग 2 बेस टू एक्स कॉमन हो गया, बचा क्या लॉग 2 बेस टू एक्स प्लस 2, और माइनस 1 कॉमन होगा, तो बचेगा क्या लॉग 2 बेस टू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये सेम है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं लॉग 2 बेस टू एक्स प्लस 2, अगले ब्रैकेट में लॉग 2 बेस टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों 0 बराबर है, तो इसको लॉग 2 बेस टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और लॉग 2 बेस टू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, लॉग 2 बेस टू एक्स इक्वल टू 1, यानी कि देखिए एक्स के पावर में 1 हो जाएगा, यानी एक्स के पावर 1 इक्वल टू 2, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या मिला 2, ये पहला वैल्यू है, और इसमें प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो लॉग 2 बेस टू एक्स इक्वल टू माइनस 2, फिर एक्स के पावर में हो जाएगा एक्स के पावर माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी कि क्या हो जाएगा कि 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, फिर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 1/2, एक यह वैल्यू मिला, यही राइट आंसर है।